तो गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहां पे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। जी हां दोस्तों, आईएसएल के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भी धीरे धीरे अपने प्री सीजन एक्टिविटीज शुरू कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, विवांता गुवाहाटी में क्लब ने रिसेंटली कुछ फोटोशूट सेशन किए जहाँ पर टीम के प्लेयर गौरव बोरा, प्रज्ञान गोगोई के साथ साथ डिफेंसिव मिडफील्डर जॉन गाटनियागा और गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य भी मौजूद थे। उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजित किया गया जहाँ पर टीम के मैनेजर ने जर्नलिस्ट के कुछ सवालों के जवाब दिए। तो गाइस द टीम इज गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग सीजन और गाइस इस बार के टीम के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो टीम भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। टीम में मैट डर्बीशायर, जॉन गाटनियागा जैसे प्लेयर्स तो है ही, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज दैट इस बार नॉर्थ ईस्ट एफसी के इंडियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस बहुत ही अहम होने वाले है। सो द क्वेश्चन इज, डू वी हैव द बेस्ट सेट ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन आईएसएल? अगले सीजन हमें इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा। इसी बीच 1 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट एफसी खेलेंगे नेरोका एफसी के खिलाफ एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच जो कि एक तरफ से प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट होगा। क्या नॉर्थ ईस्ट एफसी के प्लेयर्स अगले सीजन के लिए तैयार है? हमें इस मैच में वही देखने को मिलेंगे। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में ये मैच आयोजित होंगे। इस मैच में हमें काफी सारे सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिल सकते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस, इस मैच में कोच अपने विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो गाइस इस मैच का शायद ही कोई लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो गाइस लेट्स सी व्हाट आवर बॉयज कैन परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डे। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अबाउट मैट डर्बीशायर और दोस्तों मैट डर्बीशायर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा अपकमिंग सीजन में अपने टीम के अचीवमेंट पर फोकस करेंगे। उनके मुताबिक आईएसएल एक आसान लीग नहीं है और गाइस यंग प्लेयर्स को अपलिफ्ट करने में वो अपना बेस्ट देंगे। जी हां गाइस, मैट डर्बीशायर के अनुभव टब के लिए बहुत सारे एरियाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या टब के प्लेयर्स उनके अनुभव के सही फायदा उठा पाएंगे? इस सवाल के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टिकिंग around the channel all this time. Goodbye for now. See you in the next video.